रागिनी की शादी को 3 महीने हो गए थे। उसका पति आकाश जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो उसे बहुत ही प्यार करता था। आकाश बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था। रागिनी को वो हमेशा हंसाते रहता। आकाश को सरप्राइज देना भी बहुत पसंद था। वो रागिनी के लिए कभी फूलों का गुच्छा ले आता तो कभी कानों के झुमके तो कभी कुछ और। वो पिछले 3 दिन से बैंगलोर में था। बैंगलोर वो ऑफिस के काम से गया हुआ था। रागिनी उसी के बारे में सोचते हुए रात को सोने की तैयारी कर रही थी तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो उस पर लिखा आ रहा था हबी कॉलिंग। अरे तुम सोए नहीं हो अभी तक? अरे तुम्हारे बिना मुझे नींद कहाँ आती है मेरी स्वीट वाइफ। बस बस अब मस्का लगाना बंद करो। अरे मस्का नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ। आई एम रियली वेरी मच मिसिंग यू। अच्छा तो फिर आ जाओ ना। रागिनी की बात पर आकाश हंसने लगा और कहा, अरे ऑफिस वाले निकाल देंगे आऊंगा तो। इतना डर ऑफिस वालों का? चलो फिर रहने दो तुम, मैं अकेले ही सो जाती हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं आ जाऊंगा। क्या आकाश अभी बच्चों वाला मजाक करोगे? अरे आंखें बंद करो तो। रागिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। लो कर ली आंखें बंद, अब क्या करना है? अरे ऐसे नहीं, चलो अब उठो और दरवाजा खोलो। क्या आकाश तुम भी ना? अरे जाकर देखो तो दरवाजे पर, तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज है। रागिनी ने जैसे ही दरवाजा खोला आकाश दरवाजे पर खड़ा था। रागिनी ने उसे आश्चर्य से देखा और उसके गले से लिपट गई। तो तुम यहाँ बाहर से कॉल कर रहे थे मुझे? इससे बेहतरीन सरप्राइज मेरे लिए क्या हो सकता है? आई लव यू आकाश, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आई लव यू रागिनी। और हाँ घर के अंदर चले, इस तरह गले लगा रखा है तूने मुझे, किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? आकाश की बात पर रागिनी मुस्कुराने लगी। दोनों की लाइफ इसी तरह खुशी खुशी बीत रही थी। दोनों के हर पल में बहुत सारा प्यार था, लेकिन एक अनचाही ही मुसीबत छिपकर उन दोनों की हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थी। आकाश कब ऑफिस जाता है, वो कब ऑफिस से आता है, रागिनी घर में कब अकेली होती है और वो कब मार्केट जाती है। एक एक बात का उसे पता था। इस बीच आकाश को एक बार फिर से ऑफिशियल काम करने के लिए 1 महीने के लिए सिंगापुर जाना था। उसने जैसे ही ये बात रागिनी को रेस्टोरेंट में खाते खाते बताई। 1 महीने के लिए, वो भी सिंगापुर? तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी आकाश? अरे बहुत बड़ा मौका दिया है कंपनी ने, जानती हो अपनी कंपनी सिंगापुर में अपना ब्रांच खोल रही है और सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सब कुछ सही रहा तो मेरा प्रमोशन तो होगा ही, अच्छी खासी सैलरी भी बढ़ जाएगी। वो सब ठीक है आकाश, लेकिन यहाँ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं कटता। 1 महीना कैसे काटूंगी? ठीक है तो मैं मना कर देता हूँ ऑफिस वालों को। नहीं जाओ, नहीं तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। ये कहते हुए रागिनी ने आकाश को गले लगा लिया। आकाश को सिंगापुर गए हुए 1 सप्ताह हो गए थे। वो नियम से हर दिन उसे कॉल करता और कहता कि वो जल्द ही काम खत्म करके आ जाएगा। एक रात की बात है, रात के 12 बज रहे थे तभी रागिनी के मोबाइल की घंटी बजती है। पहले तो रागिनी को लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन मोबाइल की घंटी लगातार बजती रही तो उसने नींद में ही फोन उठाते हुए कहा, तुम्हें नींद नहीं आ रही मेरे बिना? नहीं रागी, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आ रही है, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, बोलो तो आ जाओ। रागी, ये शब्द सुनते ही रागिनी की नींद काफूर हो गई। वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदे आ गई। उसने घबराते हुए फोन पर पूछा, कौन बोल रहा है? अरे रागी, इतनी जल्दी भूल गई मुझे? कुछ ही महीने तो हुए हैं तुम्हारी शादी को, कुछ ही महीने में तुम अपने पुराने प्यार को भूल गई, उस प्यार को जिसकी बाहों के घेरे में तुम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करती थी, जिसके साथ तुमने जीने मरने की कसमें खाई थी। दिस इज नॉट फेयर रागी, दिस इज नॉट फेयर। रागिनी का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने अपने कांपते होठों से कहा, दिवाकर तुम? चलो तुमने मुझे पहचाना तो मुझे खुशी है, तुम्हें अब भी मेरा नाम याद है। दिवाकर तुमने मुझे फोन क्यों किया और तुम्हें मेरा ये नंबर कैसे मिला? अरे हम आशिक कुत्तों की तरह होते हैं, सूंघ कर सब पता लगा लेते हैं, और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारा कितना बड़ा आशिक हूँ। दिवाकर की इस बात पर रागिनी भड़क गई। दिवाकर मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? रागिनी की इस बात पर दिवाकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज रागिनी के कानों में चुभ रही थी। उसने फोन रख दिया। अब
ये कहां से आ गया फिर से लौट कर मेरे जीवन में। वो ये सोच ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। उसने गुस्से में फोन उठाया और कहा, अजीब मेंटल हो तुम, अरे क्यों कर रहे हो मुझे फोन? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? रागिनी क्या हुआ तुम्हें, ये तुम क्या बोल रही हो? लेकिन इस बार फोन पर दिवाकर नहीं आकाश था। दूसरी तरफ से आकाश की आवाज सुन रागिनी का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते कहा, आकाश आकाश तुम क्या हुआ? रागिनी तुम बहुत डरी हुई लग रही हो, कुछ बात है क्या? और ये तुम किसे कह रही थी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? कुछ नहीं आकाश, वो लगता है मैं नींद में कोई सपना देख रही थी। आई एम सो सॉरी आकाश। अरे मेरे अलावा किसी और का सपना मत देखा करो, नहीं तो मेरा क्या होगा रे? आकाश के इस स्टाइल में बोलने पर रागिनी को हंसी आ गई। कुछ देर बात करके उसने फोन रख दिया। जैसे उसने फोन रखा दिवाकर का फोन फिर से आ गया। रागिनी ने गुस्से में फोन उठाया, तुम पागल पागल हो क्या? क्यों कर रहे हो मुझे फोन? तुम मेरा पास्ट हो पास्ट, अब मैं शादीशुदा हूँ इसलिए प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। ये कहकर वो फोन काटने वाली थी कि दिवाकर ने कहा, रागी रागी फोन मत काटना, क्योंकि अगर तुमने फोन काटा तो तुम्हारी जिंदगी से बहुत कुछ कट जाएगा, जैसे कि आकाश जो सिंगापुर में बैठा है। आकाश तुम कैसे जानते हो उसे? मैंने कहा ना हम आशिक हैं, हमें सबका पता होता है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा प्यार और पैसा दोनों। अगर नहीं दिया तो पुराने सारे फोटोग्राफ्स सिंगापुर में आकाश के टेबल पर होंगे। दिवाकर की बातों को सुनकर रागिनी का पारा फिर से चढ़ गया। बहुत ही लीचर किस्म के आदमी हो तुम, वो तो सही समय पर मुझे तुम्हारी असलियत का पता लग गया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया। रागी मैं जोंक हूँ जोंक, मुझे कोई नहीं छोड़ता, अलबत्ता मैं दूसरे के जीवन से खुशियाँ चूस चूस कर उसमें गम भर देता हूँ। दिवाकर ने रागिनी से 50,000 रुपए मांगे और उसे मिलने के लिए सनराइज होटल में बुलाया। न चाहते हुए भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए रागिनी मजबूरी में सनराइज होटल दिवाकर से मिलने पहुंची। दिवाकर ने जैसे ही रागिनी को देखा उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन रागिनी ने उसका हाथ झटक दिया। ये क्या बदतमीजी है, दूर हटो मुझसे। बदतमीजी नहीं, ये मेरा प्यार है। अपना प्यार तुम अपने पास रखो, मैं शादीशुदा हूँ। अरे शादीशुदा हो तो और भी अच्छा है ना, आराम से दोनों प्यार करेंगे, तुम्हारे आकाश को पता भी नहीं चलेगा। चलो अब तड़पाओ मत, गले लग जाओ यार मेरे। दिवाकर ने रागिनी को फिर से गले लगाने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर रागिनी को बहुत गुस्सा आया और उसने खींचकर उसे तमाचा मार दिया। बेशर्म आदमी, अपनी हद में रहो, मैं यहाँ आ गई इसका ये मतलब मत निकालो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मेरी शादीशुदा जिंदगी को तुम्हारे जैसे नीच आदमी की बुरी नजर से बचा सकूं। और हाँ, ये रहे 50,000 रुपए। ये कहते हुए उसने 50,000 रुपए दिवाकर के मुंह पर मारे और वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची उसने देखा कि आकाश सिंगापुर से लौट कर आ गया है। उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आकाश तुम कब आए? क्या हुआ रागिनी, मुझे देखकर तुम इस तरह चौंक क्यों गई? क्या तुम खुश नहीं हो मेरे आने से? खुश? हाँ खुश हूँ ना, बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा है रागिनी, कुछ बात है क्या? कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? नहीं नहीं, तुम्हें मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? खाओ मेरे सर की कसम। कि क्या बच्चों वाली बात है आकाश? रागिनी ये मानो कि हमारी शादी को बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हारी बातों को सुनकर पता लगा सकता हूँ कि तुम परेशान हो। बोलो ना रागिनी क्या बात है? आकाश की बातों को सुनकर रागिनी उसके गले लगकर रोने लगी और उसे दिवाकर की सारी बात बता दी। आकाश मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ इसलिए उससे मिलने गई और उसे पैसे दिए। मुझे माफ कर दो आकाश, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। रागिनी तुम्हें मुझे ये बात पहले ही बतानी थी, लेकिन कोई नहीं, तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, ये बहुत बड़ी बात है। देखो रागिनी, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है, और ये विश्वास है तो छोटा शब्द लेकिन सारी कायनात इसी पर चलती है। वो ये बात कह ही रहा था कि दिवाकर का कॉल फिर से आ गया। आकाश ने इशारे में रागिनी को कहा कि फोन को स्पीकर मोड में कर दे। रागिनी तुम मुझे थप्पड़ मार कर तो आ गई, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि इस थप्पड़ की कीमत क्या होने वाली है।
मैं तुम्हारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी सारी फोटो आकाश को तो जाएंगी ही, इंटरनेट पर भी उन्हें वायरल कर दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो दिवाकर, लेकिन हमारा परिवार बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जहां विश्वास होता है ना, वहां तुम जैसे दुष्ट अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होते। और हाँ, तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं और तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो गया है, और अब इस चेहरे को पुलिस सबके सामने लाएगी, समझ गए? दिवाकर को उम्मीद नहीं थी कि वो अपने जाल में खुद फंस जाएगा और आकाश रागिनी का सब कुछ जानते हुए भी साथ देगा। बहरहाल पुलिस ने दिवाकर को ब्लैकमेल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। रागिनी और आकाश के बीच अब पहले से भी ज्यादा प्यार था, बहुत बहुत सारा प्यार। जयप्रकाश और दीप कमल एक ही ऑफिस में काम किया करते थे और दोनों एक ही मकान में साथ ही किराए पर रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही रंगीन मिजाज के थे। उनकी रंगीन मिजाजी का आलम ये था कि 59 साल की उम्र में भी उनके बीच चर्चा का विषय लड़कियां होती, और सिर्फ चर्चा का विषय ही नहीं, दोनों मिलकर लड़कियों को ताड़ते भी थे। एक दिन जब वे दोनों ऑफिस में थे, तभी उनकी नज़र ऑफिस में ही काम करने वाली लड़की दिव्या पर पड़ी। उसने कुछ दिनों पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया था। जयप्रकाश उसे देखकर आंखें भरने लगता है। जानता है दीप, मैं जब भी दिव्या को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये जरूर मेनका की रिश्तेदार होगी। मेनका कौन? अपने ऑफिस में कोई मेनका तो काम नहीं करती। अबे बुद्धि गिरवी रख दिया है क्या हैं? अरे मैं ऑफिस की किसी मेनका के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। तो किसकी बात कर रहा है? स्वर्ग की अप्सरा मेनका की। जैसे उसने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, इसे देखता हूँ तो मेरा भी काम डिस्टर्ब हो जाता है। वे दोनों उसे देखकर बातें कर ही रहे होते हैं कि दिव्या जयप्रकाश के पास आती है। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अबे ये तो इधर ही आ रही है। दिव्या जयप्रकाश की डेस्क के पास आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो दिव्या भी उन्हीं के साथ काम करती थी, लेकिन जयप्रकाश और दीप कमल से उसका वास्ता कम ही पड़ता था। ये पहली बार था जो दिव्या इस तरह उसके डेस्क के पास आई थी। जयप्रकाश तो दिव्या की खूबसूरती में इतना डूबा हुआ था कि उसने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। तो दिव्या ने एक बार फिर से जयप्रकाश को टोकते हुए कहा, अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तब दीप कमल ने जयप्रकाश को जोर से चिकोटी काट ली। चिकोटी काटने से जयप्रकाश चीख पड़ा। जयप्रकाश को इस तरह चीखते हुए देख दीप कमल ने धीरे से उसके कान में बोला, अबे मरवाएगा क्या? इस तरह पागल की तरह उसे घूर क्यों रहा है? वो तुझे गुड मॉर्निंग कह रही है, उसका जवाब तो दे। दीप कमल की बात सुनकर जयप्रकाश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो नर्वस होकर बोलता है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग। सर आप इस तरह अभी चीखे क्यों? वो ऐसा है कि। तब दिव्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, कहीं दर्द है क्या सर? हाँ दर्द तो कमबख्त इस दिल में है जो तुम्हें देखकर बढ़ जाता है। आपने कुछ कहा क्या सर? कमर में दर्द है, कमर में। हाँ सर, इस उम्र में तो दर्द रहता ही है। आप बोलिए तो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर का पता आपको दे दूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर? वो किस लिए? अरे सर आपके दर्द के लिए और किस लिए, एक महीने में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी दादी को तो बहुत आराम हुआ है वहाँ की दवाई से। उसकी बात सुनकर दीप कमल की हंसी छूट जाती है। वो जयप्रकाश की ओर मुस्कुराकर देखता है, फिर दिव्या से कहता है, हाँ, दे देना पता, ऑफिस से छुट्टी के वक्त दे देना है। दिव्या चली जाती है। उसके जाने के बाद दीप कमल जयप्रकाश को टोंट मारते हुए कहता है कि, अरे तू बुढ़ा हो गया और अब तो ये ऑफिस वालों को भी दिखने लगा है, तभी तो डॉक्टर के पास तुझे जाने को कह रहे हैं। दीप कमल की बात सुनकर जयप्रकाश उससे कहता है, अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। जयप्रकाश और दीप कमल पर उनकी उम्र के कारण कोई शक नहीं करता था और वो दोनों इसी का फायदा उठाते थे। जयप्रकाश और दीप कमल दोनों की पत्नियां अब इस दुनिया में नहीं रही। वैसे जब उनकी पत्नियां जीवित भी थी तो भी उनकी आदत ऐसी ही थी। उन दोनों की पत्नियां भी उन्हें समझा समझा कर स्वर्ग से धार गईं, लेकिन इनकी आदत
कुत्ते की उस पूंछ की तरह रही जो 6 महीने नली में रहने के बाद भी सीधी नहीं हो सकती थी। एक दोपहर वे दोनों लंच टाइम में लंच कर रहे थे, तभी ऑफिस की एक और लड़की जिसका नाम नंदिनी था, जो लगभग 21 साल की थी, वो उनके पास आकर बैठ गई। नंदिनी के नाम पर दीप कमल का दिल किसी बॉल की तरह उछलने लगता था। ये बात जयप्रकाश जानता था। हेलो सर, बहुत दिनों से दिल कर रहा था आप लोगों के साथ बैठकर लंच करूं। आज मौका मिल गया। मौका तुम्हें नहीं, हमें मिला है। मेरी रानी। आपने कुछ कहा क्या सर? मैंने नहीं, तुमने कुछ सुना क्या है? सुना तो नहीं सर, पर मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा है। मैं आपसे कुछ जो मैं कई दिनों से चाह रही थी आपसे कहना। नंदिनी की बात सुनकर दीप कमल के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान छा गई। उसने एक्साइटेड होकर बोला, कौन सी बात? अरे किसी बात को दिल में ऐसे दबा कर नहीं रखना चाहिए। हाँ, तुम जल्दी से बोल दो। सर आप मुझे बहुत पसंद हैं। बहुत मतलब बहुत। नंदिनी की इस बात को सुनकर दीप कमल के गले में खाना फंस गया। वो जोर जोर से खांसने लगा। अरे सर क्या हुआ आपको? आप इस तरह खांसने क्यों लगे? नंदिनी टेबल पर रखे पानी के गिलास को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, सर आप जल्दी से पानी पी लीजिए। हाँ तो तुम क्या कह रही थी नंदिनी? आप ठीक तो है ना सर? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जानते हैं सर, आपको जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरे दादाजी की याद आ जाती है। वो बेचारे पिछले साल हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जब भी आपको देखती हूँ तो लगता है दादाजी आ गए हैं फिर से मेरे पास। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको दादाजी बुला सकती हूँ क्या? इस बार बारी जयप्रकाश की थी। वो दीप कमल की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। दीप कमल शॉक्ड सा बैठा हुआ था। तब तक लंच टाइम खत्म हो गया था। नंदिनी वहाँ से जा चुकी थी। और दादाजी कैसे हो? कर ले तू भी कर ले मजाक। एक तो मेरा दिल पके हुए आम की तरह टूटकर गिर गया है और तू है कि मजाक कर रहा है मेरे साथ है? अबे क्या मैं इतना बुढ़ा हूँ है जो मुझमें उसे अपना दादा दिखता है? अरे छोड़ ना यार, बकवास करती है वो। अरे हम दोनों तो अभी जवान है जवान। एक साल और बीत गए, दोनों के रिटायरमेंट का दिन आ गया। पूरा ऑफिस हालांकि अब तक इन ठरकी बुड्ढों के मंसूबों से अनजान था। रिटायरमेंट के दिन वो सभी से गले लिपट कर घड़ियाली आंसू बहाते हुए रोते हैं। जयप्रकाश दिव्या को गले लगाकर रो रहा है। बहुत याद आएगी तुम्हारी दिव्या, कितना साथ रहा है तुम लोगों का। दीप कमल नंदिनी को गले लगाकर रो रहा है। सर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बेहिचक कह दीजिएगा, मेरा नंबर तो आपके पास है ही। दोनों रिटायर हो गए। करने को अब उनके पास कुछ नहीं था और दूसरा तारने को भी अब कोई नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन उनकी नजर अपनी मकान मालकिन के एक रिश्तेदार अनु पर पड़ी, जो हाल ही में यहाँ पढ़ाई करने आई हुई थी। अब तो दोनों का दिल उसे देखकर लट्टू की तरह नाचने लगा। आए हाय, इसे कहते हैं किस्मत। अब तो घर में भी ऑफिस वाले सुख मिलेंगे। हाँ। देख तू इस लड़की से दूर रह। हाँ। ये तेरी भाभी है। अबे चल बे, भाभी होगी तेरी, मेरी तो होने वाली बीवी है। बेचारी अनु इन दोनों ठरकी बुड्ढों की बातों से अनजान थी। वे दोनों इसे हमेशा ताड़ते रहते। लेकिन एक दिन दीप कमल और जयप्रकाश बातें कर रहे थे, तभी जयप्रकाश के सीने में तेज दर्द उठ गया। दीप यार सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैंने कहा ना, अनु के बारे में सोचना छोड़ दे, इसीलिए दर्द हो रहा है तेरे। दीप कमल की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि जयप्रकाश नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दीप कमल ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। अब तो दीप कमल को भी लग गया कि कोई सीरियस बात है। वो सीढ़ियों पर भागते हुए अपने मकान मालिक को ये बताने के लिए आ रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा। तब तक अनु ने उसे देख लिया। मेरा दोस्त जयप्रकाश, जयप्रकाश। ये कहते हुए वो बेहोश हो गया। उसके सिर में बहुत चोट लगी थी और सिर से लगातार खून बह रहा था।
अनु बेचारी उस समय घर में अकेली थी। वो ही किसी तरह दोनों को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उन दोनों को तुरंत एडमिट कर लिया। जयप्रकाश को हार्ट अटैक आया था, उसकी हालत तो काबू में आ गई, लेकिन दीप कमल की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों की बहुत कोशिश के बावजूद भी वो बच नहीं सका। जयप्रकाश को जब होश आया तो उसका मकान मालिक और अनु उसके पास खड़े थे। जयप्रकाश होश में तो आ गया, लेकिन अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को अपने पास ना पाकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो उस पर मन ही मन गुस्सा भी हुआ। थोड़े दिन बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर आया, तब उसे सारी असलियत का पता लगा कि कैसे अनु उन दोनों को अस्पताल लेकर गई और उसकी जान बच गई। उसे दीप कमल की मृत्यु का भी पता लगा। उसे उसके जाने का बहुत अफसोस हुआ, लेकिन इस घटना के बाद उसके मन में एक बात आई कि आज तक के उन लोगों के बुरे कर्म की सजा ही उन्हें मिली। जयप्रकाश अब बिल्कुल बदल चुका था। अनु में अब उसे अपनी पोती दिखने लगी थी। वो अपने पुराने दिन को याद करता तो कभी कभी उसे अपने आप से घिन भी आ जाती थी, लेकिन वो उसे अब भूल जाना चाहता था। अनुराधा रायपुर में रहती थी। ससुराल में पति राजेश और बेटे अरब के अलावा सास ससुर और छोटी ननद थे। अनुराधा की ननद राशि 7वीं कक्षा में थी। राजेश के बाद वो कई सालों बाद पैदा हुई थी, इसलिए दोनों भाई बहन में उम्र का फर्क था। एक दोपहर राशि जब स्कूल से आई, माँ ये देखो मेरी स्कूल टीचर ने दिया है और हमें एक वीडियो भी दिखाई, उसमें लड़कियों को होने वाले पीरियड के बारे में दिखाया गया। वैसे माँ आपको तो ज्यादा पता होगा पीरियड क्या होते हैं, मुझे भी बताओ ना माँ। इसे तुरंत बैग में डाल ले, सबके सामने इतनी जोर से नहीं बोलते ये बातें, तेरे पिताजी अभी घर पर ही हैं, अभी चुप कर, अभी तेरा समय नहीं आया इन सब बातों को जानने का, चल जा कपड़े बदल ले। माँ जी आजकल सभी स्कूलों में लड़कियों को पीरियड के बारे में समझाया जाता है, हमें भी राशि को समझाना चाहिए ताकि वो अचानक इन सब से घबराए ना। अनुराधा बहू मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है राशि के लिए क्या सीखना जरूरी है और क्या नहीं, तुम रसोई में जाकर अपना काम करो। अनुराधा चाहती थी कि राशि को पीरियड की बात समझाई जाए और राशि के मन में उठ रहे सवालों के जवाब उसे मिल जाए, पर इस विषय पर बात करना उसकी सास राजेश्वरी को पसंद नहीं था। एक सुबह, अरे राजेश बेटा तूने बिजली वाले को बुलाया क्या, रात से मेरे कमरे का एसी नहीं चल रहा है। हाँ माँ मैंने फोन कर दिया है, बस 10 बजे तक दुकान खोलेगी तो आ जाएगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पिताजी दुकान चले गए, आप करवा लेना काम, और बिजली वाले को बोलना जितने पैसे बनेंगे मैं दुकान पर दे आऊंगा, ठीक है ना। माँ जी शाम के लिए चने भिगो दूँ, आप देख लो इतने बहुत रहेंगे। हाँ ठीक है इतने भिगो दे। वैसे ये राशि कहाँ है, आज स्कूल नहीं जाना क्या, 8:30 होने को है। माँ जी वो बाथरूम में है, मैं देखती हूँ। राशि क्या हुआ, बहुत देर से बाथरूम में हो, सब ठीक तो है ना। अनुराधा बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। कुछ देर बाद राशि बाथरूम से बाहर आती है। भाभी मुझे लगता है मेरे वॉशरूम वाली जगह पर शायद चोट लग गई है, मुझे डर लग रहा है भाभी, मैंने साबुन से भी धोया पर पता नहीं ब्लड आ रहा है। राशि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ राशि, इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रही थी। माँ जी राशि को पीरियड होने शुरू हो गए हैं, ये घबरा रही है, मैं इसे कमरे में ले जाकर समझाती हूँ। समझाना क्या है, कपड़ा दे देती हूँ रख लेगी। माँ आप क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आओ राशि मैं तुम्हें समझाती हूँ। राशि ये तुम्हें पीरियड स्टार्ट हुए हैं जो अब हर महीने आया करेंगे। तो क्या भाभी ये पीरियड आपको भी होते हैं। हाँ राशि मुझे भी हर महीने पीरियड आते हैं। और पिट्टू दीदी शालिनी दीदी सबको होते हैं क्या भाभी ये पीरियड। हाँ मेरी प्यारी ननद ये पीरियड हर लड़की को होते हैं जब वो किशोरावस्था में कदम रखती है, यानी कि 13वें वर्ष में लड़कियों को पीरियड की शुरुआत हो जाती है, पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती, 3 से 4 दिन में तुम्हारे पीरियड अपने आप बंद हो जाते हैं। अच्छा अब मैं तुम्हें ये सैनिटरी पैड का उपयोग करना बताती हूँ और इससे जुड़े सभी सवालों के उत्तर भी दूंगी। अनुराधा राशि को सैनिटरी पैड का यूज करना सिखाती है और राशि के मन के डर को भी हटाती है उसके सभी सवालों के उत्तर देकर। राशि को समझ आ गया था कि पीरियड एक लड़की की जिंदगी का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे राशि को अब इसकी आदत हो गई थी। अब वो इन दिनों में बेफिक्र होकर अपने सारे जरूरी काम करती थी। अनुराधा बहू तुमने जितना अच्छा राशि को मासिक धर्म के बारे में समझाया है शायद उतना अच्छा मैं कभी नहीं समझा पाती। माँ जी मैंने बस एक भाभी होने का फर्ज निभाया है, राशि के मन का डर निकल गया
इस बात के लिए मुझे भी तसल्ली है। अनुराधा का बेटा 1 साल का हो रहा था। जन्मदिन की शॉपिंग के लिए वो अपनी सहेली विभा को फोन मिलाती है। विभा, मैं बोल रही हूँ, अनुराधा, और बता आज फ्री है क्या? आरव का जन्मदिन आ रहा है, मेरे साथ शॉपिंग पर चल। एक दो दिन बाद चले, अभी मेरे पीरियड आए हुए हैं तो पेट में दर्द है आज, और फ्लो भी बहुत है, और पीरियड अनियमित हो गए हैं। कभी समय से हफ्ते पहले आ जाता है, कभी 8-8 दिन तक इंतजार करती हूँ, ना कहीं आने की ना जाने की। तू किसी लेडी डॉक्टर को दिखा, ऐसे इरेगुलर पीरियड होना सही बात नहीं है। डॉक्टर इसकी सही वजह बताकर इसका इलाज बताएंगे। एक काम कर, कल तू मेरे साथ मेरी फैमिली डॉक्टर के पास चल, जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी। अगले दिन अनुराधा विभा के साथ अपने लेडी डॉक्टर के पास जाती है। ओके, मैंने आपका चेकअप कर लिया है। आपकी माहवारी अनियमित होने की सबसे बड़ी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे कि तनाव बढ़ने के कारण, आहार में पोषण की कमी, थायराइड की वजह से, अधिक एक्सरसाइज करने के कारण, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के कारण। डॉक्टर, मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स शादी के बाद शुरुआती दिनों में ली थी, पर पिछले महीने मैंने वो बंद की है। मुझे अब चांस लेना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। डरने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ ताकत और खून बढ़ाने की दवाइयाँ दे रही हूँ। जितना हो सके खुश रहिए, तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। स्ट्रेस माहवारी अनियमित होने की एक बड़ी वजह है। और एक बात, कभी भी बर्थ कंट्रोल पिल्स बिना डॉक्टर की इजाजत के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से ही सही दवाई बर्थ कंट्रोल की लिखवा कर लेनी चाहिए, और बंद भी डॉक्टर की सलाह से ही करें। आप अगले हफ्ते अपने हस्बैंड के साथ आना, मुझे उन्हें भी कुछ समझाना है। थैंक यू डॉक्टर, मैं उन्हें ले आऊंगी और आगे से हर बात का ध्यान रखूंगी। विभा और अनुराधा क्लिनिक से बाहर आ जाती है। थैंक यू अनुराधा, तेरी वजह से मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दोस्त हो तो दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। चल अब घर चलते हैं, और आरव के जन्मदिन पर तुझे वक्त से पहले पहुंचना है, समझी? मौसी है तू उसकी। अनुराधा की सहायता से विभा ने डॉक्टर की पूरी सलाह को माना, और कुछ ही महीनों बाद उसे दिन चढ़ गए। बधाई हो, मेरी प्यारी सहेली एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई। सब तेरी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है अनुराधा, शुक्रिया मेरी बहन। आज अनुराधा ने एक अच्छी बहू, अच्छी भाभी और एक अच्छी सहेली बनकर सबके दिलों में एक अलग पहचान छोड़ दी थी। कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे। प्रेरणा और महिमा तानिया का कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रही थी। ये तानिया कहाँ रह गई? प्रेरणा, जरा फोन मिला तानिया को, पूछ कहाँ है। रुक, वो आ रही है सामने से। कहाँ रह गई थी? एग्जाम शुरू होने वाला है। अरे वो 2 बस तो छूट गई, अब तीसरी मिली तो जल्दी जल्दी भाग कर आई हूँ। चलो अब जल्दी, पहले ही लेट हो गया है। एग्जाम शुरू होने में बस 10 ही मिनट बाकी है। बस 2 मिनट में वॉशरूम होकर आई। तानिया जल्दी कर, कितनी देर लगाएगी वॉशरूम में। अरे ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ? मेरी डेट आ गई, 2 दिन बाद थी, मुझे लगा अभी नहीं होगी, पर मेरे पीरियड आज ही आ गए, अब क्या करूं? तो सैनिटरी पैड लगा जल्दी, मैंने बैग में नहीं रखा, भूल गई, अब क्या करूं? प्लीज मेरे लिए कहीं से सैनिटरी पैड ला दो। ठीक है रुक, हम देखते हैं। प्रेरणा और तान्या कॉलेज में पता करती है, पर किसी के पास सैनिटरी पैड नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें साइंस के एक टीचर के पास सैनिटरी पैड मिला, और उन्होंने जल्दी से तान्या को ला कर दिया। इस सब में उनका आधा घंटा लग गया। खैर, टीचर को मजबूरी बताकर उन तीनों ने वो एग्जाम जैसे तैसे दे ही दिया। पर तान्या उस दिन के बाद फिर कभी सैनिटरी पैड को डेट के पहले अपने पास रखना नहीं भूली। वक्त बीता, अब प्रेरणा, महिमा और तान्या तीनों की शादी हो चुकी थी। तीनों अपने अपने घर के हस्ती में व्यस्त थी। शादी के बाद एक दिन वो एक साथ मिलती है। आज कितने दिनों बाद हम तीनों एक साथ घूमने निकले हैं। हाँ तान्या, ये तो है, शादी के बाद घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं तो अभी भी बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। तुम दोनों से मिलने का बहुत मन था, वरना आज तो मेरा पीरियड का 2nd डे है। पीरियड से तुझे याद आया कॉलेज के एग्जाम का वो दिन जब तान्या परेशान हुई थी? हाँ मुझे याद है वो दिन। पर यार कॉलेज के वो दिन भी क्या खूबसूरत दिन थे, बस मस्ती में तीनों सहेलियों का घूमना फिरना, नाइट आउट और एक दूसरे के घर में रुकना। हाँ प्रेरणा, तूने आज उन दिनों की याद दिलाकर फिर यादें ताजा कर दी। अरे क्यों ना हम तीनों फिर एक साथ अपने मायके में मिलकर नाइट आउट करें? हाँ ये ठीक रहेगा, क्यों तान्या, क्या ख्याल है? बिल्कुल मेरी प्यारी सहेलियों, पर तुम्हारी बातों से याद आया, मुझे तो अभी घर जाकर पैकिंग भी करनी है। कल हम पूरे परिवार के साथ नैनीताल घूमने जा रहे हैं। अच्छा नैनीताल, अच्छी जगह है घूमने के लिए, वहाँ पर तल्लीताल मल्लीताल काफी मशहूर है। हाँ मैं भी एक बार गई हुई हूँ। चल अच्छा है, घूमा। बाकी मेरी शादी की सालगिरह है,
अगले महीने तुम दोनों को कार्ड दूंगी, पर अभी से बोल रही हूँ आना है। इस तरह तीनों सहेलियाँ आपस में मिलकर अपने अपने घर आ जाती हैं। अगले दिन तान्या को परिवार के साथ नैनीताल निकलना था। तान्या भाभी, ये आपकी हवाई चप्पल बाहर ही रह गई थी। थैंक यू कोमल। और कल तुम मुझे कुछ कह रही थी कि पिछले 2 महीने से तुम्हें पीरियड नहीं आ रहे। मैंने डॉक्टर से पूछा था, वो बता रही थी कि तुम्हारी अभी पीरियड होने की शुरुआत है, इसलिए कई बार इरेगुलर रहेंगे और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने बैग में कुछ सैनिटरी पैड रख लो, कभी पहाड़ों पर जाकर थकावट से हो जाए तो पास में तो होंगे। ओके भाभी, मैं रख लेती हूँ। सब लोग नैनीताल घूमने जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर तान्या और कोमल बहुत खुश होती हैं। माँ जी, आप भी आओ, एक फोटो आपके साथ भी लें। हाँ माँ, आओ ना। पापा जी, माँ के साथ खड़े हो, भैया इनकी फोटो लो, फिर मैं आपकी और भाभी की फोटो लूंगी। तभी अचानक कोमल के पेट में दर्द होने लगता है। भाभी, मुझे लगता है आप सही कह रही थी, सफर के दौरान मुझे पीरियड्स हो सकते हैं। आप जरा मेरे साथ होटल के रूम में चलोगी? मेरे बैग में सैनिटरी पैड रखे हैं। ठीक है, रुक मैं चलती हूँ। माँ जी, मैं और कोमल जरा रूम में जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तान्या कोमल को लेकर होटल के कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद, थैंक्स भाभी, आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। मैं तो आगे से पीरियड की डेट आने के पहले ही बैग में एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड रख लिया करूंगी। थैंक्स की क्या बात है कोमल, तुम मेरी ननद बाद में छोटी बहन पहले हो। तुम्हारी देखभाल और जरूरत का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। आपको बताऊं भाभी, मेरी एक फ्रेंड किसी रिश्तेदार की शादी में गई और उसे याद नहीं था कि पीरियड आने वाले हैं। इमरजेंसी में अपने रुमाल और वॉशरूम के टॉयलेट पेपर से काम चलाया, बेचारी बहुत परेशान हुई। तभी सास भी कमरे में आ जाती है। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठकर गप्पे मार रही हो और हम तुम दोनों का वहाँ इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा जी और भैया कहाँ हैं? वो दोनों तो नीचे बने गार्डन में सर्दी का मजा ले रहे हैं। वैसे तुम दोनों आई क्यों थी? माँ जी, कोमल को पीरियड स्टार्ट हो गए थे तो इसीलिए आना पड़ा। माँ, आज भाभी ना बताती कि सैनिटरी पैड रख लूं, तो यहाँ किसको बोलती कि कोई लाकर दे दे, इधर उधर ढूंढना पड़ता। बहू, तुम हो तो मुझे कोमल की कोई चिंता नहीं रहती, तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। जीती रहो बहू। माँ जी, मेरा परिवार मेरी दुनिया है और आप जैसी सास और कोमल जैसी ननद मुझे इस जन्म में मिला मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कोमल तान्या के गले लग जाती है। एक बहू अपनी ससुराल में सबकी प्यारी बन सकती है, ये तान्या ने आज साबित कर दिया था। रात के 11:30 बज रहे थे, चारों ओर लगभग सन्नाटा सा छाया हुआ था। सड़क पर ट्रैफिक बहुत ही कम हो गया था, इक्का दुक्का लोग ही पैदल चलते हुए दिख रहे थे। कभी कभी सन्नाटे को चीरती हुई कोई कार या बाइक सड़क से गुजरती, फिर चारों ओर उसी तरह का सन्नाटा छा जाता। अचानक धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। फुटपाथ पर लेटी गुंजा के ऊपर पानी की बूंदें पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। उफ़, ये बारिश कहाँ से आ गई? मुझे कहीं छिपना पड़ेगा, लेकिन बारिश अचानक से बहुत तेज हो गई। वो भीगने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन छिपने की कोई जगह उसे नहीं दिखाई दी। वो लगातार भीगती जा रही थी। अचानक उसकी नजर दूर एक चाय की टपरी पर गई। दुकान बंद हो चुकी थी। वो भागकर उसकी शर्ट के नीचे छिप गई, लेकिन इतनी देर में वो आधी से ज्यादा भीग गई। मेरे कपड़े तो लगभग गीले हो गए, इन गीले कपड़ों में ठंड भी लग रही है मुझे। गुंजा खुद से ये बातें कर रही थी कि बाइक में बैठे हुए दो लोग जिनका नाम किशोर और राणा था, उसने चाय की टपरी के पास अपनी बाइक रोकी। फिर वो दोनों लड़खड़ाते हुए चाय की टपरी के शेड के नीचे छिपने के लिए आ गए। उनके लड़खड़ाते कदम बता रहे थे कि वो नशे में है। गुंजा उन्हें देख कर डर गई। वो दोनों लोग गुंजा को अजीब नजरों से घूर घूर कर देख रहे। राणा, आज ज्यादा चढ़ी नहीं है भाई, ठीक कह रहा है तू, लेकिन अब तो सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। राणा, आज कुछ और नशा किया जाए क्या? तू सही भाई है मेरा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। गुंजा बेचारी सहमी हुई थी इन दोनों की बातें सुन रही थी। नशे में धूत इन दोनों की बातें सुनकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो वहाँ से भागना चाहती थी। किशोर, सोच मत, काम कर, मुझे पता है ना कर्म का फल मीठा होता है। ये कहते हुए दोनों गुंजा की तरफ छप गए। गुंजा पहले से ही तैयार थी, वो बदहवास से सड़कों पर भागने लगी। वो दोनों भी उसके पीछे भाग गए। अबे तेज दौड़, ऐसा ना हो मछली हाथ से निकल जाए। गुंजा, यही कोई 17 या 18 साल उम्र होगी उसकी। बस स्टैंड के पास
रहती है तो कभी ट्रैफिक लाइट के पास। हाथ में कटोरा लिए वो दिख जाती है। कभी कभी तो लोगों ने उसे स्टेशन के बाहर भी भीख मांगते हुए देखा है। मैंने कुछ चेले और फटे चिटे कपड़ों में ही वो हमेशा रहती। उसके बाल उलझे हुए रहते और चेहरा इतना काला दिखता जैसे कि उसने कई दिनों से नहीं नहाया है। एक दिन वो इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी, तभी ट्रैफिक की बत्ती लाल हो गई। वो भागते हुए रुकी हुई गाड़ियों के पास एक एक कर जाती और भीख मांगती, एक रुपया दे दो साहब, सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसा दे दो साहब, भगवान के नाम पर एक रुपया दे दो। अफसोस कि उन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे ज्यादातर लोगों के दिल इतने बड़े नहीं थे कि उनकी जेब से एक रुपया भी गुंजा के लिए निकलता। वो कहते हैं ना कि सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए कुछ लोगों ने गुंजा के कटोरे में दया की भीख भी डाली। लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे कि गुंजा उनसे कुछ खरीद कर खा पाते। लेकिन उन्हीं पैसों को लेकर वो सामने की दाल चावल की दुकान पर गई और दुकानदार की ओर देखने लगी। अरे तू फिर आ गई है? तुझे इसी तरह से हर दिन मुफ्त का खाना खिलाता रहा तो मेरा तो दीवाना निकल जाएगा, दुकानदार बोले जा रहा था और गुंजा उसकी बातों को सिर झुकाए सुने जा रही थी। दुकानदार ने उसे एक प्लेट दाल चावल दिया। गुंजा की कटोरी में जितने भी पैसे थे उसने उन पैसों को अपने हाथ में लिया और उसकी रेहड़ी पर रख दिया। फिर वो फुटपाथ के किनारे बैठकर खाने लगी। पिछले 6 महीने से गुंजा इसी तरह अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन 6 महीने पहले उसकी हालत ऐसी नहीं थी। 6 महीने पहले तक वो भी एक आम लड़की की तरह अपने पिता जय कुमार के साथ जीवन जी रही थी। जय कुमार एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन एक दिन फैक्ट्री में ही उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। बाबा बाबा ये क्या हो गया मेरे बाबा को? गुंजा की माँ तो सालों पहले गुजर गई थी। उसके चाचा चाची थे लेकिन वो सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार थे। गुंजा के पिता की मौत के बाद उन्होंने थोड़े दिन तो उसे अपने पास रखा, लेकिन वो सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार थे। गुंजा के पिता की मौत के बाद उन्होंने थोड़े दिन तो उसे अपने पास रखा, लेकिन उन थोड़े दिनों में ही गुंजा का जीवन उन्होंने नरक के समान बना दिया। उनके चाचा और चाची के लिए तो वो बिना पगार की एक नौकरानी थी, जिनके आगे वो बस काम भर का रूखा सूखा खाने को डाल देते थे। एक दिन की बात है, दिन भर काम करने के बाद उसकी चाची ने 2 दिन पुरानी बासी रोटी उसके आगे डाल। चाची थोड़ा अचार ले लूं? हाँ हाँ ले ले अचार, तू कहे तो पूरी छनवा देती हूँ। ना ना पूरी से क्या होगा, पुलाव बनवा देती हूँ और दम आलू भी। मुफ्त खोर, जो मिल रहा है खा ले नहीं तो भूखी मर। जब तक गुंजा के पिता थे उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद ऐसा लगता था कि मुसीबतें उसकी सहेलियां बन गई हैं। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी वो अपने चाचा चाची के डर से घर का काम कर रही थी। लेकिन तेज बुखार में ज्यादा काम करने से वो बेहोश हो गई। लेकिन उस पर भी उसकी चाची को दया नहीं आई। उसके चाचा के आते ही वो शुरू हो गई। देखिए जी, आप अपनी भतीजी को समझा दीजिए, पूरा दिन मैं घर का काम करती हूँ और ये किसी महारानी की तरह आराम, और खाने में चाहिए इसे 56 भोग। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो चली मायके। उसकी बातों को सुनकर गुंजा के चाचा का पारा चढ़ गया। उसने तेज बुखार में भी गुंजा को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी एक बार फिर बेहोश हो गई। लेकिन उस दिन आधी रात को उसने बड़ा फैसला ले लिया। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, ये लोग तो राक्षस है राक्षस। ये कहकर वो आधी रात को ही घर से भाग गई। बुखार से उसका बदन अब भी जल रहा था। भागते भागते उसके पैर भी कांप रहे थे, लेकिन उसे तो इस नरक से कहीं दूर निकल जाना था। वो भागती भागती रेलवे स्टेशन गई और वहाँ उसे एक बड़ी ट्रेन खड़ी दिखी। वो उसमें जाकर बैठ गई। बस एक बार यहाँ से निकल जाओ, कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगी। गुंजा दूसरे शहर में आ गई, तब से वो भीख मांग कर यहाँ अपना गुजारा कर रही है। लेकिन आज फिर से उसकी जान पर पड़ी है। वो दोनों बदमाश लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। आखिर वो उनसे पकड़ने आ गई। अरे बहुत तेज भागती है तू, बहुत भगाने का शौक है ना तुझे, अब देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। उन दोनों बदमाशों ने गुंजा के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। बेचारी गुंजा ने बहुत कोशिश की उन जानवरों के चंगुल से छूटने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। उस सन्नाटे में गुंजा की चीख गूंज तो रही थी, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचा लो। अगली सुबह गुंजा के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वो खामोश हो गई थी। हर दिन की तरह वो भीख मांगे नहीं गई, वो भूखी प्यासी बैठी रही।
उसे अपने आप से घिरना रही थी। उन दोनों शैतानों का चेहरा अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रहा था, लेकिन वे तो रात के अंधेरे में कहीं भाग गए थे। कुछ दिन और बीते, लेकिन कब तक वो भूखी रहती, इसलिए उसने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। एक रुपया दो साहब, दो रुपया दे दो साहब, बहुत भूख लगी है साहब, एक रुपया दे दो साहब, दो रुपया दे दो साहब। एक दिन भीख मांगते हुए उसके पेट में दर्द शुरू हो गया और फिर उल्टियां भी शुरू हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे उल्टियां क्यों हो रही हैं। अब तो हर दिन उसे उल्टी का मन करता और कभी कभी उल्टी भी हो जाती। कुछ महीनों बाद उसका पेट बाहर आना शुरू हो गया। गुंजा गर्भवती हो गई थी। उसके बाहर निकले पेट की ओर जो भी देखता उसे बहुत आश्चर्य होता। इस बारे में लोग बातें भी करने लगे। अरे ये भिखारन अचानक से गर्भवती कैसे हो गए रे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन छोड़ ना, हमें क्या करना, पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही है ये। गुंजा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता। पेट ज्यादा बड़ा होने के कारण अब तो उसे बहुत दिक्कत होने लगी थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और हर दिन वो रोते हुए खुद से बातें करती। एक दिन जब वो खुद से बातें कर रही थी, तभी वो दाल चावल बेचने वाला दुकानदार, जो अब उसके दोस्त की तरह हो गया था, वो उसके पास आया और बोला, अरे ये सब किसने किया, कैसे हुआ ये सब? उसकी बातों को सुनकर गुंजा रोने लगी और रोते रोते ही उसने राणा और किशोर का नाम बताया। दुकानदार तुरंत ही उसे लेकर पुलिस स्टेशन गया और पुलिस इंस्पेक्टर रजनी को सारी बातें बताई। रजनी ने जब गुंजा की हालत देखी तो उसे बहुत दया आई। क्या तुम उन दोनों को फिर से देखोगी तो पहचान जाओगी? जी मैं पहचान जाऊंगी। रजनी ने उन दोनों का पता लगाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। गुंजा की बताई जगह के आसपास लगे सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। उन फुटेज से जल्दी किशोर और राणा का पता लग गया। किशोर और राणा पास की बस्ती में रहने वाले छठे हुए बदमाश और एक नंबर के शराबी थे। इंस्पेक्टर रजनी दोनों को गिरफ्तार कर ले आई और थाने में उनकी जमकर मरम्मत की। पहले तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस के डंडों के आगे वो टूट गए। अरे हम मत मारिए मैडम, हम मर जाएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दीजिए। तुम जैसे जानवरों को छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो इंसान के वेश में राक्षस हो राक्षस। तुमने उस बेचारी लड़की के साथ जो किया है, अगर मेरा वश चले तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूं, लेकिन मैं क्या करूं? कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। इंस्पेक्टर रजनी ने दोनों को जेल भेज दिया। उन दोनों पर मुकदमा चला और दोनों को 10 साल की कैद हो गई। इंस्पेक्टर रजनी गुंजा को एक खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं गुंजा कहाँ गायब हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।